किसानों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज एवं पानी की बौछार किए जाने के खिलाफ कांग्रेस के जिला व महानगर इकाई ने संयुक्त रूप से कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों किसान विरोधी बिल को वापस लिए जाने की मांग उठाई गई। इस मौके पर राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी की गैर मौजूदगी में नगर मजिस्ट्रेट ललिता प्रसाद शाके को पेश किया गया। ज्ञापन में कहा गया कि विभिन्न किसान संगठन निरंतर किसान विरोधी बिल को वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं, मगर केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। तीनों किसान विरोधी बिल को वापस लेने की मांग को लेकर आपके साथ सड़क से संसद की ओर कूच करने पर मजबूर हो गए हैं। ज्ञापन के माध्यम से मांग उठाई गई कि तीनों किसान विरोधी बिल तुरंत वापस लिए जाएं। इनके अलावा किसानों का गन्ना बकाया भुगतान, धान खरीद, गन्ना मूल्य घोषित करने, रकम में विलम्ब होने पर ब्याज सहित भुगतान किए जाने सहित किसानों की विभिन्न समस्याओं को उजागर किया गया। प्रदूषण के विषय में जानकारी देते हुए कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष विनोद गुम्बर एवं महानगर अध्यक्ष हाजी रिजवान कुरैशी ने संयुक्त रूप से बताया कि प्रदर्शन में असद मौलाई, असलम खुर्शीद, अजय शारसवत, सोनी इफ्तिकार, अहमद हाजी, अतिक अहमद एडवोकेट, अजीम कुरैशी, अशोक कपूर, जय प्रकाश ठाकुर, कुमार रागनी, सुशीला कश्यप, जगदीश सिंह, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद नदीम अंसारी, समर सलीम, मोहम्मद जुनैद, मौसम अली, कनीस फातिमा, परम सिंह सैनी, नेम सिंह, फैजान कुरैशी एवं जहां आरा सहित भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी नेता व कार्यकर्ता गण शामिल रहे। पूरे हिंदुस्तान में हमारा किसान परेशान है, पूरे हिंदुस्तान में छात्र परेशान है, पूरे हिंदुस्तान में अधिवक्ता परेशान है, छात्र छात्राएं परेशान है और पूरे समस्त भारत के अंदर व्यापारी परेशान है। ये किसान विरोधी जो बिल ये लाए हैं, इनको वापस करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक उसका विरोध करेगी। बिल वापस नहीं हुआ तो हम हर कुर्बानी देने को तैयार। देखिए, सरकार की हालात इस बात से आप समझ लीजिए कि यहाँ ज्ञापन लेने वाला कोई अधिकारी मौजूद नहीं है, ज्ञापन लेना भी वो मुनासिब नहीं समझ रहे। पूरे देश का किसान सड़कों पर है, उन पर किस तरह से लाठियाँ चलाई जा रही हैं, पानी की बौछारें चलाई जा रही हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, अपराधियों की तरह उनके साथ ट्रीटमेंट हो रहा है। इस सब चीज़ों से सरकार की निकम्मापन पूरी तरह से साबित हो जाता है और कांग्रेस पार्टी किसानों के मामले में, छात्रों के मामले में हर तरह से जनता के साथ है, किसान के साथ है, मजदूर के साथ है।